इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगस्त 2024 में किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियाँ बेची है। तो चलिए शुरू करते हैं। 14th पोजीशन पर जीप, जिसकी 340 गाड़ियाँ बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले महीने के कंपैरिजन में जीप की सेल्स लगभग 23% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ जीप का मार्केट शेयर है 0.1% का। हाल फिलहाल जीप के चार गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में है, कंपस, मेरिडियन, ग्रैंड चेरोकी और रैंगलर। अक्टूबर के महीने में जीप कंपस और मेरिडियन का अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने वाली है। इसके बाद 13th पोजीशन पर सिट्रन, अगस्त महीने में इस कंपनी ने 1275 गाड़ियों को बेचा है। पिछले महीने के कंपैरिजन में सिट्रन की सेल्स लगभग 281% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ सिट्रन का मार्केट शेयर है 0.4% का। हाल फिलहाल सिट्रन के पांच प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में हैं, बसाल्ट, C3, C3 एयरक्रॉस, EC3 और C5 एयरक्रॉस। अभी हाल ही में ही सिट्रन वालों ने अपनी बसाल्ट SUV को लॉन्च करा था, जिसके लॉन्च होने के बाद इनकी सेल्स काफी बढ़ चुकी है। अगर आप बसाल्ट लेने में इंटरेस्टेड है लेकिन आप कंफ्यूज है कि इस गाड़ी का कौन सा वेरिएंट लिया जाए, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। स्क्रीन पर आने वाले आई बटन को क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद 12th पोजीशन पर है निसान, जिसकी 2257 2257 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले महीने के कंपैरिजन में निसान की सेल्स लगभग 12% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ निसान का मार्केट शेयर है 0.6% का। हाल फिलहाल इंडिया में निसान के दो गाड़ियां है, मैग्नाइट और एक्सट्रेल। इसके बाद 11th पोजीशन पर स्कोडा, जिसकी 2772 2772 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले महीने के कंपैरिजन में स्कोडा की सेल लगभग 32% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ स्कोडा का मार्केट शेयर है 0.8% का। हाल फिलहाल स्कोडा के तीन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में है, कुशाक, स्लाविया और कोडियाक। अभी हाल ही में स्कोडा वालों ने अपनी कुशाक और स्लाविया के स्पोर्ट लाइन और मोंटे कार्लो वर्जन को लॉन्च करा है। अगले साल की शुरुआत में ये लोग एक नई कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च करने वाली है काइलाक के नाम से, और मिड 2025 में कोडियाक का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने वाली है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है रेनो। इस कंपनी ने अगस्त के महीने में 3018 गाड़ियों को बेचा है। पिछले महीने के कंपैरिजन में रेनो की सेल्स लगभग 7% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ रेनो का मार्केट शेयर है 0.9% का। हाल फिलहाल रेनो के तीन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में है, क्विड, काइगर और ट्राइबर। इसके बाद 9th पोजीशन पर है फॉक्स वैगन। अगस्त के महीने में फॉक्स वैगन ने 3577 गाड़ियों को बेचा है इंडिया में। पिछले महीने के कंपैरिजन में फॉक्स वैगन की सेल्स लगभग 5% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ फॉक्स वैगन का मार्केट शेयर रहा 1% का। फॉक्स वैगन के पास भी लगभग तीन गाड़ियां हैं इंडियन मार्केट में, टाइगुन, वर्टस और टिगुआन। इसके बाद 8th पोजीशन पर है MG, जिसके अगस्त के महीने में 4571 गाड़ियां बिकी है। पिछले महीने के कंपैरिजन में MG की सेल्स पे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। पिछले महीने में इन्होंने लगभग 4572 गाड़ियों को बेचा है और इतनी सेल्स के साथ MG का मार्केट शेयर 1.3% का। हाल फिलहाल MG के पांच प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में है, एस्टर, कॉमेट, ग्लॉस्टर, हेक्टर और ZACV। इसी महीने की 11 तारीख को MG एक न्यू इलेक्ट्रिक कार विंसर को लॉन्च करने वाली है, साथ ही में ग्लॉस्टर का फेसलिफ्ट इस साल के आखिर में आने वाला है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है होंडा। अगस्त के महीने में इसने करीब 5326 गाड़ियों को बेचा है। पिछले महीने के कंपैरिजन में होंडा की सेल्स लगभग 15% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ होंडा का मार्केट शेयर है 1.5% का। हाल फिलहाल होंडा के पास भी लगभग तीन गाड़ियां हैं इंडिया में, सिटी, अमेज और एलिवेट, जिसमें से अमेज का नेक्स्ट जनरेशन अगले साल लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 6th पोजीशन पर किया, जिसकी 22523 22523 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले महीने के कंपैरिजन में किया की सेल लगभग 10% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ किया का मार्केट शेयर है 6.4% का। हाल फिलहाल किया के पास लगभग चार प्रोडक्ट्स हैं इंडियन मार्केट में, सेल्टॉस, सोनेट, कैरेंस और EV6। अक्टूबर 3 तारीख को किया अपनी दो न्यू कार्स को लॉन्च करने वाली है इंडिया में। सबसे पहली है कार्निवल का नेक्स्ट जनरेशन और दूसरी एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है EV9 के नाम से। इसके बाद 5th पोजीशन पर है टोयोटा, जिसकी 28589 यूनिट्स बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले महीने के कंपैरिजन में टोयोटा की सेल्स लगभग 3% से कम हुई है और इतनी सेल्स के साथ टोयोटा का मार्केट शेयर 8.1% का। हाल फिलहाल टोयोटा की इंडिया में 9 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, हाइलक्स, अर्बन क्रूजर हाई राइडर, अर्बन क्रूजर टेजर, इनोवा हाई क्रॉस, इनोवा क्रिस्टा, रूमियन और वेलफायर। इसके बाद 4th पोजीशन पर है महिंद्रा, जिसकी 43277 गाड़ियों को बेचा है अगस्त के महीने में। पिछले महीने के कंपैरिजन में महिंद्रा की सेल्स लगभग 4% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ महिंद्रा का मार्केट शेयर 12.2% का। हाल फिलहाल इंडिया में महिंद्रा के लगभग 10 प्रोडक्ट्स हैं, बोलेरो, बोलेरो नियो, मराजो, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक, थार, थार रॉक्स, XUV3 XO, XUV 400 और XUV 700। अभी हाल ही में अगस्त 15 तारीख को महिंद्रा ने अपनी थार रॉक्स को लॉन्च करा काफी एग्रेसिव प्राइसिंग पर, और अगले साल महिंद्रा कुछ न्यू इलेक्ट्रिक SUVs को भी लॉन्च करने वाली है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिसकी 44142 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले महीने की कंपैरिजन में टाटा की सेल्स लगभग 1% से कम हुई है
और इतनी सेल्स के साथ टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर है 12.5% का। हाल फिलहाल इंडिया में टाटा मोटर्स के 8 गाड़ियां हैं, अल्ट्रोज, कर्व, हैरियर, नेक्सॉन पंच, सफारी, टियागो और टिगोर। अभी हाल ही में इन लोगों ने अपनी कर्व और कर्व ईवी को लॉन्च करा है। साथ ही में आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स और महिंद्रा के सेल्स फिगर में सिर्फ 585 यूनिट का फर्क है, जो कि यार काफी कम है, क्योंकि महिंद्रा वालों ने भी थार रॉक्स को लॉन्च करा है और टाटा मोटर्स ने अपनी कर्व और कर्व ईवी को भी लॉन्च करा है। तो आने वाले महीनों में हो सकता है कि महिंद्रा टाटा मोटर्स को ओवरटेक भी कर ले। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है ह्यूंडई, जिसकी 49,525 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले महीने के कंपैरिजन में ह्यूंडई की सेल्स लगभग 1% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ ह्यूंडई का मार्केट शेयर 14% का। हाल फिलहाल इंडिया में ह्यूंडई की 10 गाड़ियां हैं, अल्काज़ार, ऑरा, क्रेटा, एक्स्टर, ग्रैंड राइटर, नियोस, आयोनिक 5, i20, ट्यूसॉन, वेन्यू और वर्ना। अल्काज़ार का फेसलिफ्ट सितंबर के 9 तारीख को लॉन्च होने वाला है और आज ही ह्यूंडई वालों ने क्रेटा के नाइट एडिशन को लॉन्च किया है। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर आइए हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसकी 1,43,075 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले महीने की कंपैरिजन में मारुति की सेल्स लगभग 4% से बड़ी है और इतनी सेल्स के साथ मारुति का मार्केट शेयर 40.4% का। हाल फिलहाल मारुति के इंडिया में 17 गाड़ियां हैं, ऑल्टो, केटेन, बलेनो, ब्रेजा, सेलेरियो, सियाज, डिजायर, इको, अर्टिगा, फ्रॉक्स, ग्रैंड विटारा, इग्निस, इनविक्टो, जिम्नी, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, वैगनार और एक्सएल 6। अक्टूबर में मारुति अपनी डिजायर की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने वाली है और अगले साल की शुरुआत में ये लोग एक न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी ईवीएक्स को लॉन्च करने वाली है, जो कि क्रेटा ईवी और कर्व ईवी को राइवल होने वाली है। तो यही थी अगस्त 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ब्रांड्स। अगर आप जानना चाहते हैं अगस्त 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां और एसयूवीज कौन सी है, तो इन टॉपिक्स पर भी जल्दी ही वीडियो आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।